नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ट्रेन में सफ़र के दौरान आप उससे पहले ट्रेन की बुकिंग कराते हैं, उसके लिए सीट बुक कराते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आप पूरी ट्रेन को भी बुक करा सकते हैं? सुनने में ये बात थोड़ी सी आपको अचरज भरी लगेगी, लेकिन आप ट्रेन में कोच या पूरी ट्रेन को भी बुक करा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह सुविधा रेलवेज आपको कैसे देता है और इसके लिए आपको क्या करना होगा। यदि आप पूरी ट्रेन बुक कराना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। अब बात ये आती है कि पूरी ट्रेन कोई क्यों बुक कराएगा। अधिकतर लोग शादियों में जाने के लिए, बारात के लंबी दूरी पर ले जाने पर ट्रेन की बुकिंग कराते हैं। इसमें कोच की बुकिंग होती है और आप पूरी ट्रेन भी बुक करा सकते हैं। आपको ट्रेन बुक कराने के लिए नज़दीकी स्टेशन पर जाना होगा और वहाँ पर स्टेशन मैनेजर को इसके लिए आग्रह करना होगा कि आप एक ट्रेन बुक कराना चाहते हैं। इसके लिए आपको शुरुआत में 50,000 रुपये तक कैश जमा कराना पड़ सकता है और अगर आप 18 कोच की बुकिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेन बुकिंग के दौरान 9 लाख रुपये का रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराना होगा। आपको बता दें कि इस यात्रा के लिए आपको 7 दिनों से अधिक के लिए हॉल्ट करा रहे हैं तो 10,000 रुपये प्रति कोच के हिसाब से अलग से जमा कराना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान आपको 72 घंटे पहले सारे यात्रियों का विवरण स्टेशन प्रबंधक को देना होगा। आपको बता दें कि आपको यात्रा से पहले यात्री परिवहन प्रबंधक के कार्यालय से फाइनल प्रोग्राम की कॉपी मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरे ट्रेन का रूट और यात्रा का विवरण बता दिया जाएगा। आपको बता दें कि यात्रा करने वाले यात्रियों की टिकट तैयार होती है, इसलिए सभी का विवरण लेना ज़रूरी है। तो मोटा मोटी तौर पर आपको अगर पूरी ट्रेन बुक करानी है तो उसके लिए आपका खर्चा करीबन 9 लाख रुपये के आसपास हो सकता है और अगर आपको कोच बुक करानी है तो इसके लिए आपको 50,000 रुपये के आसपास जमा कराने होंगे। इसके बाद आपका रूट और आपका डेस्टिनेशन तय करेगा कि आपका कितना खर्चा होगा। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।